बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आज मार्केट गई तो वहाँ से कुछ परचेजिंग कर कर आई हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखें, ये मैं अपने बड़े बेटे का सूट लेकर आई हूँ। हम लोग गए हुए थे मार्केट तो जे डॉट पर सेल लगी हुई थी 50% ऑफ की, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से बच्चों की स्टिच कपड़े ही ले लेते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सूट मुझे बहुत पसंद आया, ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए लिया। तो इस पर बहुत लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, बहुत अच्छे बटन लगाए हैं इन लोगों ने, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत प्यारा स्टफ़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सूट। और पॉकेट भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे तो बहुत खुश हुए देख कर अपने कपड़े। मुझे भी बहुत पसंद आया इनका ये सूट। इसके साथ जो है वो शलवार है, ये देखिए आप, ये मेरे बड़े बेटे का सूट है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने दूसरे बेटे का सूट। ये मेरे छोटे बेटे का सूट है और ये भी बिल्कुल वैसी ही स्टिच हुआ हुआ है, मगर कलर बहुत ही फाइन है, बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है। बटन देखिए आप कितने प्यारे लगाएं, बच्चों जैसे ही बिल्कुल, मुझे बड़े प्यारे लगे इनके बटन, इनका कॉलर, इनकी एम्ब्रॉयडरी, इनकी स्लीव्स, ख़ास तौर से जो कफ बनाया है ना इन्होंने, इस पर जो बटन लगाए, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी में बच्चे पहनते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, इतना ज़्यादा इनको गर्मी का एहसास होता नहीं। आपको पता है कराची का वेदर कैसा होता है, गर्मी हद से ज़्यादा होती है, तो ये स्टफ़ इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत इसमें गर्मी ज़रा कमी लगती है इन लोगों को, बच्चों को मेरे, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट भी। बहुत अरसे से मैं तलाश थी इस कलर के, अब मिला है मुझे ये कलर। और ये इसके साथ की शलवार है, ये सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बेटी का। ये सूट मैंने वैसे इनकी फ़्रॉक परचेज़ करी नहीं है, ये इनको गिफ्ट मिला, इनकी पप्पो ने इनको गिफ्ट करा है मेरी बेटी को। तो ये देखें आप लोग, बहुत ही प्यारी फ़्रॉक है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है इनकी ये फ़्रॉक, ये देखिए। वैसे ये अभी इनको बड़ी है ये फ़्रॉक अच्छी खासी, और वैसे भी ये गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों में शायद बच्चे पहनकर ज़्यादा खुश रहेगी। तो इसके साथ भी है, इन्होंने पीछे टाइट्स दी हैं इसके साथ, इसका इनर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इसकी टाइट्स जो कि अच्छी खासी बड़ी हैं, और ये इनर, ये देखिए। अब ये विंटर में जब ये पहनेंगी तो इंशाल्लाह ताला इनके बिल्कुल सही आ चुका होगा उस वक्त तक, अभी 3 और 4 मंथ्स हैं विंटर आने में, फिर इंशाल्लाह ताला इनको बिल्कुल सही आ जाएगी ये फ्रॉक। तो मगर ये कि इनके ईद के कमी शलवार नहीं आ सका, वो देखें इंशाल्लाह ताला मैं फिर जाऊंगी मार्केट, अगर स्टिच नहीं मिला तो फिर मुझे स्टिच करवाना पड़ेगा इनके लिए। मेरी बेटी जो है वो 4 साल की है, अब देखते हैं उनके लिए क्या लेना पड़ता है मुझको। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना सूट। मेरा सूट भी मैंने अनस्टिच सूट लिया, मुझे बहुत पसंद आया, और ये भी अच्छी सेल थी इनकी, 30-35% ऑफ था सूट पर, तो मुझे लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था, स्टिच से ज़्यादा मुझे इनका ये अनस्टिच बहुत पसंद आया है ये सूट। और आप लोग देखें इसका कलर, इसका कंट्रास्ट इन लोगों ने बहुत खूबसूरत दिया है, बहुत ही प्यारे कलर्स यूज़ करें इसमें, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरा सूट ना। ये आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पहले मैंने लाने से पहले टेलर से पूछा कि भाई मैं लाऊं और सी सकेगा या नहीं, तो खैर वो राज़ी हो गए। आप इसके प्राइस देखें कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्राइस में मुझको बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। ये पूरा 3 पीस सूट है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, आप इसको करीब से देखिए। बहुत इसमें हल्का सा गोल्डन तार भी है, इसकी वजह से थोड़ा सा सूट शाइनिंग कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। दुपट्टा है, ये है देखें शर्ट, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पूरी, ये देखिए, ये इसका फ्रंट, ये देखिए बॉर्डर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये इसका बैक, बहुत ज़्यादा भरा हुआ प्रिंट नहीं है, और ये गला वाले बने हुए प्रिंट तो वो तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, शुक्र इसमें नहीं है। ये देखिए इसके स्लीव्स, यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है तो करीब से देखें, इसमें हल्की सी शाइनिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा गोल्डन तार जा रहा है, लेकिन ये फैब्रिक है बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से,
ऐसा नहीं है कि ये गर्मियों में नहीं पहना जा सकता, ये लॉन ही है इनकी, ये ट्राउज़र है इसके साथ। और ये देखिए मैं आपको निकाल कर इसका कार्ड दिखाती हूँ, आप देखें करीब से कितना खूबसूरत स्टिच हुआ है इस पर, इतनी खूबसूरत इन लोगों ने डोरी लगाई है। और मैं भी इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही स्टिच करवाऊँगी, शलवार के साथ स्टिचिंग हुई हुई इसकी, शर्ट है और शलवार। अच्छा मैंने आपको दुपट्टा तो दिखाया नहीं, मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ खोल कर, यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे इसके कलर्स। इसमें दो कलर्स थे, एक इसमें रेड कलर भी था और एक इसमें ब्लू कलर था, मुझे लेकिन ब्लू कलर बहुत पसंद आया, रस्ट कलर मुझे कोई ख़ास इतना पसंद आता नहीं है, लिहाजा रस्ट कलर में बहुत कम ही परचेज़ करती हूँ। अब मैं अपना दूसरा सूट आपको दिखाती हूँ। वैसे ये मैंने आज तो परचेज़ नहीं करा, ये तो मैंने परचेज़ पहले करा था, लेकिन ये जो है मैंने, मेरा स्टिच होकर अब आया है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि ये मेरा इरादा तो है बकरीद पर पहनने का ही है। और आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये अलकरम से मैंने फ़र्स्ट टाइम सूट परचेज़ करे, मैंने ईद उल फितर पर भी नहीं कहीं सूट परचेज़ करा था और इस दफ़ा भी कराई हूँ। ये देखिए, ये तो है इसका दुपट्टा और इनका स्टफ़, इनका फैब्रिक बहुत खूबसूरत है। ईद के लिहाज से इसमें भी थोड़ी बहुत शाइनिंग है, मुझे ज़रा अच्छी लगती है ईद के लिहाज से थोड़े बहुत चमकते दमकते सूट। ये देखिए आप, बहुत लाइट लाइट सा गोल्डन कलर है पिंक कलर के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और दुपट्टा है भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चौड़ा दुपट्टा है इसका। अब मुझे नहीं पता कराची के अलावा और भी इनकी पाकिस्तान के और सिटीज़ में या किसी और कंट्री में इनकी सेल है नहीं है, मगर कराची में तो बहुत अच्छी सेल चल रही है इनकी। ये देखिए, इनका ये सूट जो था वो 6000 का था और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 4500 में मिला। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा स्टफ़ है, बहुत ही लाइट है, गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। ये ट्राउज़र है इसके साथ। तो ये थी मेरी शॉपिंग आज की, इस ईद की, बकरीद की। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।